अयोध्या में पटेल समाज के लोगों ने सरदार पटेल के समर्थन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान पटेल समाज के अध्यक्ष जयकरण वर्मा ने बताया कि मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन वर्तमान सरकार ने मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर किए जाने का ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान है। इसको लेकर कुर्मी समाज के लोगों ने काली पट्टी बांध कर विरोध जताया है। कुर्मी समाज के लोगों ने मांग की है कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने खंड भारत को अखंड बनाया, उनका नाम हटाकर देश को बेचने वालों के नाम करना अत्यंत निंदनीय है। जयकरण वर्मा ने बताया कि सरकार सरदार पटेल ने गांधी की हत्या के बाद संघ की आतंकी गतिविधियों को देखते हुए संघ को बैन करने का काम किया था। अब जब संघ और पूंजीपति समर्पित सरकार है तो उसने सरदार पटेल का स्टेडियम से नाम बदलकर पूरे देश के पटेल अनुयायियों एवं देश प्रेमियों के साथ साथ पूरे देश के कुर्मी समाज को आहत करने का काम किया है। हमारे तमाम पटेल अनुयायी जो पटेल समर्थक हैं, देश समर्थक हैं, कानून समर्थक हैं, उन्होंने आप लोगों के माध्यम से विरोध दर्ज कराने का काम किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इतनी छोटी सी हरकत आपके लिए ठीक नहीं होगी। आज जिस प्रकार से पटेल के नाम को हटा करके मोदी जी ने अपने नाम स्टेडियम करने का काम किया है, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से और संघ से कि क्या गांधी जी के हत्या होने के बाद आप संघ की गतिविधियों को देखते हुए, आतंकी गतिविधियों को देखते हुए, जब पटेल जी ने संघ को बैन करने का काम किया था, आज जब आपकी पूंजीवादी सरकार और संघ की सरकार आई, तो क्या आप पटेल समाज से, सरदार पटेल से बदला लेना चाहते हो? इतनी नीच हरकत करना चाहते हो जिसकी बदौलत आज पूरा हिंदुस्तान एक है, उनके नाम को छोटा दिखाना चाहते हो? ये कहीं से भी स्टेडियम का नाम बदले जाने से पूरे भारत देश में पटेल अनुयायियों के साथ पूरा कुर्मी समाज आक्रोशित और मांग की गई है कि स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल ही रखा जाए, वरना पटेल समाज आंदोलन करने के लिए कटिबद्ध होगा।